कर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रुपए डेबिट कार्ड और छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वालों की बल्ले बल्ले। मोदी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू की भीम यूपीआई लेन देन पर इंसेंटिव देने की घोषणा की है। इससे एक सामान्य यूजर से लेकर व्यापारी तक को फायदा मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति सीसीए की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये प्रोत्साहन रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के इस्तेमाल पर दिए जाएंगे। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपए और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ये योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को आसान और यूजर्स के अनुकूल डिजिटल भुगतान को करने और उसे बढ़ावा देने का काम करेगी। यूपीआई ने दिसंबर 2022 के महीने में 12.82 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 782.9 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया है। कैबिनेट ने निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी है। भीम यूपीआई के जरिए इंडस्ट्री के यूज के लिए होने वाले डिजिटल पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अन्य सेगमेंट के लिए ये इंसेंटिव 0.15% का तय किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ केपीपीएन न्यूज चैनल पर। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 3 प्रमुख निर्णय लिए गए और उन 3 निर्णयों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रमुख निर्णयों के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देश में सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों से जुड़ा हुआ, कृषि उत्पादकता और कृषकों के आय से जुड़ा हुआ एक प्रमुख क्षेत्र है।